हिमाचल सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में बीजेपी सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि 12 महीने में 12 जो जन विरोधी निर्णय हैं वो सरकार ने लिए हैं। कौन से वो निर्णय हैं और इस कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे, इसी विषय पर बातचीत के लिए बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपने आरोप भी लगाए कि कार्यकाल ठीक नहीं रहा है, क्या ऐसे काम रहे इसमें जो आपको लगता है कि ठीक नहीं थे, हालांकि व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया गया है, ये नारा प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि सरकार का ये कार्यकाल इंतजार में बीत गया। प्रदेश की महिलाएं 1500 का इंतजार करती रही, युवा रोजगार का इंतजार करते रहे, किसान गोबर और दूध खरीदने का इंतजार करते रहे, कर्मचारी डीए की किस्तों का इंतजार करते रहे और कांग्रेस के विधायक मंत्री बनने का इंतजार करते रहे। जनता को कुछ नहीं मिला। 12 महीने में 12 प्रमुख जन विरोधी निर्णय इस सरकार ने लिए हैं, चाहे वो प्रदेश के जो 1050 संस्थान उनको डीनोटिफाई करने की बात, चाहे प्रदेश के हजारों जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे उनको नौकरी से हटाने की बात हो, 6 रुपए लीटर डीजल महंगा करने की बात हो, 10 रुपए सीमेंट की बोरी में बढ़ोतरी हो, 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी करने की बात हो, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 19% बढ़ोतरी और मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने की फीस, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट लाने वाली टैक्सियों का एंट्री टैक्स बढ़ाना, यहाँ तक कि जो हमारी सरकार ने जनहित की सहारा, हिम केयर और गृहिणी सुविधा योजना चलाई थी उनमें बजट का प्रावधान ना करके उनको ठप करना, विधायक निधि की एक किस्त बंद करना, विभागों के विकास के पैसे को रोकना और जो हमारे शहरी निकाय हैं उनको जो ग्रांटी नेट आई थी 50%, उस ग्रांटी नेट को भी वापस बुला लेना, ऐसे अनेक जनविरोधी निर्णय हैं जिनसे विकास भी रुका है, जनता पर आर्थिक बोझ भी डला है और जनता को परेशानी। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी उसने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है और अब उस व्यवस्था को ठीक करने में हमें 4 साल लगेंगे। देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप है, वो एक साल में बताएं उन्होंने कौन सा प्रयास किया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारें। ये ठीक है, उन्होंने आर्थिक तंगी का रोना रोके, विकास प्रभावित किया, जनता की कल्याणकारी योजनाएं बंद की, कोई नई योजना शुरू नहीं की, परंतु फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया, बिना आवश्यकता से बिना संवैधानिक प्रावधानों के CPS बना दिए, अपने मित्रों सज्जनों को निगमों बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और डायरेक्टर बनाकर ताजपोशियां दी जा रही जिन पर लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं। अभी एक साल खत्म होने पर जश्न मनाने के लिए रैली के आयोजन पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तो हालात कहां से सुधरे। और स्थिति ये है कि एक साल में 12,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, जबकि हमारी सरकार का पहला साल देखेंगे तो लगभग 5-6 हजार करोड़ कर्जा लिया गया था, तो हमारी सरकार के एक साल के कर्जे से दोगुना कर्जा लेकर फिर ये बोले हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, ये दोगलापन है, ये विरोधाभासी राजनीति है जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। आपदा में केंद्र ने हिमाचल की मदद नहीं की और जो भाजपा के सांसद है हिमाचल में उन्होंने भी केंद्र में बात नहीं रखी है, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, ये तो लेट जाके केंद्र ने तो इनकी मांग से पहले ही केंद्रीय पर्यवेक्षक दल भेजे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर एडवांस में इनको जो है वो आपदा राहत में पैसा दिया, कुल मिलाकर 868 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता इस सरकार को केंद्र की सरकार ने दी, 2643 करोड़ रुपए 254 सड़कों की अपग्रेड करने के लिए आया, वो सड़कें जो बरसात में प्रभावित हुई उनका लाभ होगा, 400 करोड़ नेशनल हाईवे 4 लेन की रिपेयर पर खर्च हुआ, 11,000 के लगभग मकान सेंक्शन किए प्रधानमंत्री आवास योजना में, विशेषकर जिनके मकान प्राकृतिक आपदा में चले गए। अब इतनी ज्यादा सहायता करने के बाद भी
ये ना धन्यवाद करें, उल्टा कहें आर्थिक सहायता नहीं की, तो भगवान जाने ये क्या चाहते हैं। परंतु मेरा ये आरोप है कि जो राहत राशि केंद्र से आई उसको भी सही ढंग से इन्होंने बांटा नहीं, उसमें भाई भतीजावाद हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके आरोप अनेक जगह अनेक स्थानों पर लगे। सर 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है धर्मशाला में, किस तरह की बीजेपी की तैयारियां हैं, क्या इस बार भी हम देखेंगे जैसे हमने मानसून सत्र में देखा कि आपने प्रस्ताव लाए उस वक्त, कार्यस्थगन प्रस्ताव दिए, क्या इसी तरह के प्रस्ताव आएंगे, किस तरह की चर्चाएं इस बार बीजेपी मांग सकती है? नहीं देखिए, हम क्योंकि अब तो सरकार का एक साल पूरा हो गया और एक साल के अंदर जितने भी जनविरोधी निर्णय सरकार ने लिए हैं उन सबको हम प्रश्नों के माध्यम से अनेक नियमों के तहत चर्चा लाकर उन सभी विषयों को उठाएंगे और इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बड़े मुद्दे कौन से होंगे आप? नहीं देखिए, बड़ा मुद्दा तो यही है कि सरकार ने जो चुनाव में वायदे किए, जो गारंटियां दी, वो एक साल पूरा होने पर पूरी नहीं की। दूसरा, कोई जन कल्याण की योजना नहीं चलाई, जन विरोधी निर्णय 12 महीनों में 12 लेकर जनता को तंग किया, परेशान किया। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस सरकार के पहले कार्यकाल में प्रभावित हुई है। आपने देखा किस तरह से हत्याओं की संख्या बढ़ गई, बलात्कार की संख्या बढ़ गई और ड्रग्स के कारण प्रदेश की क्या हालत है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमने पिछले सत्र में भी लाया था परंतु चर्चा अलाउ नहीं हुई और इस सत्र में फिर से उसको उठाकर सरकार को जो है उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इसी तरह से जिस तरह पर्यटन प्रभावित हो रहा है, जिस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके उद्योग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, इन सब विषयों को प्रभावी ढंग से उठाए। बिल्कुल, इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा, जो हिमाचल भाजपा के मीडिया विभाग के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने कहा कि जो शीतकालीन सत्र है उसके लिए तैयार है बीजेपी पूरी तरह से, और जो मुद्दे हैं गारंटियों को लेकर सवाल पूछा जाएगा, एक साल का लेखा जोखा मांगा जाएगा, और इन्होंने आरोप भी लगाए कि 12 महीने की सरकार में 12 जन विरोधी फैसले प्रदेश सरकार ने किए हैं। विजय जोश ठाकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।